नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन हरियाणा। एवन हरियाणा के माध्यम से हम आपको जाखल मंडी से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सतगुरु राइस मिल की ओर से भारत चावल बिक्री का शुभ आरंभ किया गया। 20 तारीख है आज। 20 तारीख को सतगुरु राइस मिल ने भारत चावल का डोर टू डोर अभियान किया। बहुत ही अच्छा नेक कार्य ये सतगुरु राइस मिल द्वारा किया जा रहा है। जिन्होंने 20 तारीख से ये बीड़ा उठाया कि जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग की जनता है, उन तक घर घर इन मोबाइल वैनों की माध्यम से चावल पहुंचाया जाएगा। तो ये इससे पहले भी आपने बहुत सी खबर देखी होंगी, जाखल मंडी में बहुत ही अच्छा नेक कार्य विधानसभा क्षेत्र टोहाना जिला फतेहाबाद के अंदर हो रहा है। और 20 तारीख से सतगुरु राइस मिल जो ये कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया। 10 गाड़ियां उन्होंने चलाई हैं। कुछ गाड़ियां बाज़ार में निकल चुकी हैं डोर टू डोर। जो मंडी लोकल में रहेंगी वे 4 गाड़ियां हैं जो मंडी की हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा कार्य ये सतगुरु राइस मिल द्वारा किया जा रहा है। कमल जी बताएं, जो इस सतगुरु राइस मिल ने ये शुभ आरंभ किया, इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग पहले भी भारत चावल की सेवा कर रहे हैं पब्लिक की। सर, जो कि सतगुरु राइस मिल जाखल मंडी के द्वारा जो कि भारत चावल की बिक्री जो कि शुरुआत की गई है, ये बहुत ही अच्छा सर इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि जो गरीब जनता और मध्यम वर्गीय जनता है उनको महंगाई से राहत मिल रही है, तो लोगों की तरफ से सर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और वो हमारे जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह सतगुरु राइस मिल जो कि उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है डोर टू डोर जो कि प्रोग्राम है, इसके लिए वो धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, आप भी लगभग एक महीने से चल रहे हैं भारत चावल की बिक्री जो है, चावल लोगों के घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य कर आपको कैसा मन को लग रहा है? बहुत अच्छा मन को महसूस हो रहा है जी, क्योंकि एक तो इसमें हमारा रोजगार चल रहा है और एक दूसरा गरीब और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको इस महंगाई से कुछ ना कुछ राहत मिल रही है और एक अच्छा क्वालिटी का चावल खाने के लिए मिल रहा है। वैसे हम आम बाज़ार से अगर इस चावल को लें तो 50-45 रुपये किलो है, पर ये सतगुरु राइस मिल और भारत सरकार की जो एक मुहिम है उसके तहत 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 290 रुपये की थैली 10 के जी की आम जनता को, हर व्यक्ति मतलब कि गरीब से गरीब या मध्यम वर्गीय कोई भी इसको ले सकता है। और ये एक बहुत अच्छा नेक कार्य है भारत सरकार द्वारा और सतगुरु राइस मिल जाखल के द्वारा जी। और ये हमारी 4 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जी, 6 गाड़ियाँ हमारी निकल चुकी हैं। ये हमारी गाड़ियाँ लोकल हैं, यहाँ जाखल मंडी के अंदर रहेंगी जी, और जनता का भी बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। हाँ जी बताएं, जो सतगुरु राइस मिल ने ये कार्य आरंभ किया 20 तारीख को, तो आप लोगों ने पहले भी भारत चावल की पब्लिक की सेवा में आपने पूरा तन मन धन लगाया, तो अब दोबारा से एक राइस मिल के साथ दोबारा जुड़कर आपको सेवा करने का मौका मिला, तो इस मौके को कैसे देखते हैं? सर नमस्कार जी। हाँ जी, मैं प्रेम कुमार बख्शी वाला तो जिला मानसा तो ही, सानू एक महीना हो गया जी कम से कम अपने पहला दूजे मिल तो असी चावल बेचे जी, हूँ सतगुरु राइस मिल तो मतलब 20 तरीक तो असं चले हुए, तो पब्लिक का बहुत वधिया मतलब साथ मिल रहा, सानू प्यार मिल रहा, तो नरेंद्र मोदी जी का धन्नवाद करते हैं पब्लिक भी। चावल आया तो इस तो बाद दाल आटा स्कीम आवे, तो पिंड मैं पंजाब के एरिया सारा किया है, तो मानसा जिले के मैं फिर, तो पिंड बहुत सानू प्यार मिल रहा है, तो अगे भी मान लो सानू सपोर्ट मिलेगी, तो ड्राइवर भीर रुजगार दिता, तो साढ़े ना जो मान लो मुंडे रखे हुए हैं उन्होंने भी रुजगार दिता। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतगुरु राइस मिल मान लो बहुत वधिया क्वालिटी का चावल दे रहे हैं जी, तो इन्हों का भी धन्यवाद जी। दीप जी बताएं, जो ये पब्लिक की सेवा करने का उद्देश्य आपके मन में कैसे आया? भारत बिक्री चावल जो 29 रुपये में सरकार दे रही है, आप उस सेवा का लाभ कैसे उठा पा रहे हैं और कैसे आपके मन में इच्छा जागी कि भारत चावल लोगों को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में करूं? देखिए, जो सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, एक केंद्र सरकार ने मुहिम चलाई है कि गरीब के लिए उसका कैसे उसको कम से कम रेट में चावल उपलब्ध करवाया जाए,
उसके लिए हम तो एक थोड़ा जॉब वर्क कर रहे हैं, चलो इसकी सेवा भी लगा लो गवर्नमेंट द्वारा। हमारे को भारत सरकार द्वारा जो भारतीय केंद्रीय भंडार ने जो चावल उसके साथ हमारा FCI से चावल लिया है और केंद्रीय भंडार से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसमें हमने चावल लिया है। वो चावल हमने 10 किलो 20 किलो और 30 किलो की 10 किलो की पैकिंग में 10 20 30 किलो जो हमने रिटेल में सेल करना है इसको, उसके लिए मोबाइल वैन चलाई गई हैं। वो गवर्नमेंट का भी सहयोग है, गवर्नमेंट का यही है उद्देश्य है कि गरीब को कम से कम पैसे में कैसे चावल उपलब्ध करवाया जाए, उसके लिए ये 20 तरीके से हमने काम शुरू किया है। इसको निरंतर हम चलाएंगे और बाजार में चावल हमने मोबाइल वैन के थ्रू बेचना है, रिटेल में बेचना है, कुछ खुदरा दुकानों पर भी देना है, उसके लिए हम कार्य शुरू कर रखा है। कितनी मोबाइल वैन चलाई हैं आप लोगों? 10 मोबाइल वैन चलाई हैं जी, 6 निकल चुकी हैं, ये 4 ये अब जा रही हैं बाजार के लिए, ये रेगुलर चलाएंगे, इसके लिए सेल के लिए निकालेंगे। तो ये थे दीप चहल जी, सतगुरु राइस मिल के मालिक, जिन्होंने भारत चावल बिक्री का आरंभ किया 20 तारीख से और जनता की सेवा करने का उद्देश्य उठाया। एवन हरियाणा के लिए धर्मपाल सक्सेना की रिपोर्ट। आप इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और गरीब जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो भारत चावल की बिक्री गरीब लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।